वेलकम बैक फ्रेंड्स, नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले RSM SSB के जो आगामी एग्जाम है, CET, NDC और सूचना साइको या किसी भी एग्जाम के अंदर जो GK को क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान GK, तो हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भोरट का पठार कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, ऑप्शन बी है पूर्व दिल्ली से जयपुर तक, ऑप्शन सी है आमेर से नाहरगढ़ तक, ऑप्शन डी है जोधपुर से उत्तर अजमेर तक। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो है भोरट का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चंदू का गढ़ा तथा बोड़ीगामा तथा स्थान किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन ए देखते हैं, तीर कमान निर्माण के लिए, ऑप्शन बी है मीनाकारी के लिए, ऑप्शन सी है कुंदन कला के लिए, ऑप्शन डी है जाजम सफाई के लिए। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, जाजम सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है ओसिया का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी है गोट मागलोत का दधिमति माता मंदिर, ऑप्शन डी है चार चौमा का शिव मंदिर। तो तीसरे के अंदर यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, चार चौम का शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के अंदर हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्र सिंह, ऑप्शन बी है लक्ष सिंह लाखा, ऑप्शन सी है राणा कुंभा, ऑप्शन डी है मोकल। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे चौथे के अंदर, आंसर जो है बी राइट आएगा यहाँ पे, लक्ष सिंह लाखा, इन्होंने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन ए है कुंवर चुंडा को, ऑप्शन बी है मोकल को, ऑप्शन सी है राणा कुंभा को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे के अंदर इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, कुंवर चुंडा को जो है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, किसने हल्दीघाटी के युद्ध 18 जून 1574 ईस्वी को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली कहा है। तो हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली किसने कहा है। तो छठा क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देख लेते हैं, जॉर्ज टॉमस, ऑप्शन बी है कर्नल टॉड, ऑप्शन सी है जदुनाथ सरकार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्नल टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था। तो घोड़े का जो नाम है यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है चेतक, ऑप्शन बी है कंठक, ऑप्शन सी है मस्त, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है वो चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी हुई। तो मेवाड़ और मुगल की संधि कब हुई 1615 के अंदर, उसका शासक कौन था। आपको ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा प्रताप, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है कर्ण सिंह। तो आठवीं के अंदर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनवाया। नौवा क्वेश्चन, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है दुला राय, ऑप्शन बी है काकिल देव, ऑप्शन सी है भारमल, ऑप्शन डी है भगवान दास। तो नब्बे के अंदर इसका जो सही आंसर है काकिल देव आएगा, जो आमेर को अपनी राजधानी बनवाया। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, 11 जून 1665 ईस्वी मुगल औरंगजेब मराठा छत्रपति शिवाजी किस संधि किसके प्रयास से संभव हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी है भगवान दास, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको उन 11 जून 1965 के अंदर औरंगजेब और मराठों की जो संधि हुई है वो किसके मध्य से हुई है। तो यहाँ पे 10वें का सही आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह, तो इन्होंने जो है संधि करवाई थी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने दिल्ली जयपुर बनारस उज्जैन तथा मथुरा में वेद्यशाला जंतर मंतर बनवाए। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है मिर्जा राजा जयसिंह,
ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में जंतर मंतर बनवाया, वैधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खातोली का युद्ध, ऑप्शन बी है सहारनपुर का युद्ध, ऑप्शन सी है सिवाना का युद्ध, ऑप्शन डी है खानुआ का युद्ध। तो 12वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, खातोली का युद्ध के अंदर महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने आंचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो आंचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने, कौन से महाराणा ने करवाई? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी है राणा महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा सांगा, ऑप्शन डी है महाराजा राज सिंह। तो 13वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा महाराणा कुंभा ने जो है आंचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। दिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? तो दिल्ली की बाद की दिल्ली की स्थापना जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तोमर, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है परमार, ऑप्शन डी है राठौड़। तो 14वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा तोमर ने जो है वो दिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना की है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल से जाना जाता है तो घटित हुआ, तो उसका सन यहाँ पे दिया वाला है, आपको इसका सही आंसर देना है। ऑप्शन ए है 1899 से 1900 ईस्वी सन, ऑप्शन बी है 1905 से 1906 ईस्वी सन, ऑप्शन सी है 1956 से 1958 ईस्वी सन, ऑप्शन डी है 1888 से 1889 ईस्वी सन। तो इसका जो 15वें में सही आंसर आएगा तो आंसर होगा ए 1899 से 1900 तक जो है छप्पनिया काल जो राजस्थान के अंदर गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि? तो इसका सही आंसर है, आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी वे प्राकृतिक प्रेमी थे, ऑप्शन सी वे नगर जीवन से घृणा करते थे, ऑप्शन डी वे थे बर्बर थे। तो इसका जो 16वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए वह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो 17वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए कोटा के अंदर जो है सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश हुआ। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, हुड़ा सम्मेलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो इसका जो से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेवाड़ नरेश जगत सिंह, ऑप्शन बी है जयपुर नरेश जय सिंह, ऑप्शन सी मारवाड़ नरेश अभय सिंह, ऑप्शन डी बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। तो 18वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने जो है हुड़ा सम्मेलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी कोटा। तो 19वें के अंदर इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी और बी, जैसलमेर और बीकानेर जो है दोनों मराठों के आतंक से बचे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए देखते हैं 4,32,239 वर्ग किमी, ऑप्शन बी है 3,42,239 वर्ग किमी, ऑप्शन सी है 2,42,239 वर्ग किमी, ऑप्शन डी है 2,32,239 वर्ग किमी। तो यहाँ पे 20वें के अंदर इसका सही आंसर आएगा राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 3,42,239 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 9.15, ऑप्शन बी है 10.41, ऑप्शन सी है 10.12.61, ऑप्शन डी है 13.54। तो 21 के अंदर इसका जो सही आंसर आएगा 10.41 जो है वो राजस्थान मतलब कुल देश की भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है? ऑप्शन ए है 636 किमी, ऑप्शन बी है 726 किमी,
ऑप्शन सी है 826 किमी और ऑप्शन डी है 869 किमी। तो 22वीं के अंदर इसका सही आंसर आएगा 826 किमी, जो है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2300 क्वेश्चन। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 4। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भू गर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है 33 सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी है महासागर। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 33 सागर, जो राजस्थान का मरुस्थली प्रदेश पहले कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2500 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1/4। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2/3, जो थार मरुस्थल है राजस्थान के 2/3 भाग पर मतलब विस्तृत है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये जो वीडियो है आपको राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर, जीके के अंदर ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है। तो इसके बाद भी हम ये सीरीज चालू रखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।